हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर आप सभी को पता है, धारा वैद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी हमने चालू कर दिया है और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो भी आपने देख लिया होगा। आज जो हम करने वाले हैं वो हमारी बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब एक लाइन के जो क्वेश्चन हैं जिन्हें हम अति लघुतरात्मक सवाल कहते हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। हो सकेगा तो लघुतरात्मक सवालों के साथ में भी डील करेंगे अगर हमें लगता है कि अति लघुतरात्मक सवाल बहुत कम है। ठीक है, चलिए तो वीडियो चालू करते हैं। हाँ भाई, मैंने पहले से ही सेट कर रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन सामने ही हैं। ये विद्युत धारा वाले पार्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं और इनमें से एक सवाल तो बोर्ड में भी आया हुआ है। हाँ, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, हो सके तो इसे शेयर भी करना चालू कीजिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन, जैसा आप देख पा रहे हैं, दिए गए वी आई ग्राफ में प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप तरीके से देख पाएं इस सवाल को, तो ये बोर्ड का सवाल है वैसे, है ना, कब आया था वो मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं, लेकिन ये बोर्ड का सवाल है, ये आ चुका है। अगर हम इस चीज़ को तरीके से देख पा रहे हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पर 0.1, 0.2, ऐसा 0.3 और फिर ऐसी लाइन जा रही है। ठीक है, फिर वो कुछ ऐसा कर रहा है, आगे भी है, मैं आगे नहीं बना रहा हूं। यहां पे 2 लिखा हुआ है, फिर 4, फिर 6, इस तरफ V लिखा हुआ है और इस तरफ I लिखा हुआ है। और क्या बोल रहा है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। हालांकि इस बार ये सवाल आने के चांसेस कम हो गए हैं, नेग्लिजिबल हो गए, क्योंकि प्रतिरोध ज्ञात करना है और प्रतिरोध तो वैसे भी हम डील नहीं कर रहे हैं, है ना। हाँ भाई, धारा किस में होगी, एम्पियर में होगी, वोल्ट किस में होगी, वोल्ट में होगी। तो यहाँ से क्योंकि लीनियर ग्राफ है तो किसी भी एक रीडिंग से हमारा काम चल जाएगा, तो हमने बोला कि R इज इक्वल टू होता है वी डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, वी कितना है तो हमने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया, है ना। इस वाले पॉइंट के लिए वी का मान कितना है, 2 है, आई का मान कितना है, 0.1 है। ठीक, 0.1 को हटाओ तो ऊपर क्या लग जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। अदरवाइज आप क्या करें, आर को हम ऐसा भी लिखते हैं, डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आई लिखते हैं, तो ये 2 पॉइंट चूज कर लो, कोई भी 2 पॉइंट, ये 2 चूज कर लो, ये 2 चूज कर लो, ये और ये चूज कर लो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए मैंने ये 2 पॉइंट चूज कर लिए, ए और बी। ठीक, तो B पर जो पोटेंशियल होगा वो V2 होगा, A पे जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, इसी के संगत B पर जो करंट होगी वो I2 होगी और A पे जो करंट होगी वो I1 होगी, है ना। तो डेल V का मान कितना होगा, आंसर है V2 माइनस V1 होगा, और डेल I का मान क्या होगा, I2 माइनस I1 होगा। ऐसे ही करें, V2 का मान कितना, 4, में से किसको घटाओ, V1 को जो है 2, और उसमें डिवाइड लगाओ I2 माइनस I1, मतलब 0.2 माइनस 0.1, वापस से देखो उतना ही आ रहा है, आ रहा है, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 20 ओम आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था और ये बोर्ड का सवाल है बच्चों, और बहुत सारे जनों ने गलत किया था, बहुत बच्चों ने गलत किया इस सवाल को। एक दिक्कत तो ये भी हुई, बच्चों को पॉइंट भी नहीं पता चला, क्योंकि उस बोर्ड पेपर में पॉइंट जो था वो अनक्लियर था, तो इस कारण भी बच्चों का गलत हुआ है। दूसरा सवाल देखिए, धारा घनत्व का SI मात्रक लिखिए। अपन ने लास्ट वाले वीडियो में ये डिस्कस किया है, धारा घनत्व J इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय A होता है, इसका मात्रक जो है वो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यही तो डिस्कस किया था, किया था बच्चों। चलिए तीसरा देखिए, धातु की चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध, तीसरा। ठीक है, धातु की चालकता सिग्मा और धारा घनत्व होता है जे, इन दोनों में संबंध क्या है, तो जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। सदिश मत लगाओ, इसी से ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और अगर सदिश लगाते हो तो सही जगह पर सदिश लगाना, अदरवाइज लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके,
आगे देखिए, अनओमीय प्रतिरोधों के कोई दो उदाहरण लिखिए। अनओमीय प्रतिरोध हमारे कोर्स का भाग है, ठीक है। तो अनओमीय प्रतिरोधों के कोई उदाहरण, तो तीन उदाहरण हमारी बुक में भी दे रखे हैं, जिनमें से सबसे बढ़िया उदाहरण जो मेरे को लगता है वो है डायोड, सबसे पहला तुम्हें, फिर विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, और क्या था, टॉर्च का बल्ब, ये टॉर्च का फिलामेंट, ठीक है। ये क्या है, किसके उदाहरण है, अनओमीय युक्तियों के उदाहरण है। फिर देखिए अगला पांचवा, किसी धातु की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता बताइए। हालांकि ये सवाल अब हमारे कोर्स में नहीं था, लेकिन प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता क्या होती है, रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल टी, ये होती है, लेकिन कोर्स में नहीं था तो छोड़ दीजिए। अगला छठा देखिए, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। अब देखा जाए तो ये भी नहीं है हमारे कोर्स में, लेकिन तो भी देख लेते हैं। दो पदार्थों के नाम लिखने हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर, ताप क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और इनकी प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए, मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक, प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है बच्चों सिर्फ अर्धचालकों का। तो अर्धचालक कौन से बच्चों, सिलिकन और जर्मेनियम, ठीक है। तो ये इस तरीके से सवाल होगा, हालांकि अभी सवाल के आने के चांसेस, इन दोनों ही सवालों के आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अब बोर्ड के सिलेबस में ही नहीं रहा। हाँ, आगे देखिए सातवा, 40 वोल्ट और 220 वोल्ट के बल्ब में प्रवाहित धारा का, विद्युत धारा का मान लिखिए। अब देखा जाए तो ये भी नहीं आना चाहिए, 40 वाट जो दे रखा है वो शक्ति है, और शक्ति कोर्स से हटा दिया गया है जहां तक मेरे को पता है ना। तो सातवा जो सवाल दे रखा है वो W इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, सॉरी W नहीं, पावर है, P इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 40 वाट, और वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है, और P इज इक्वल्स टू क्या होता है, VI होता है। आपको क्या ज्ञात करना है, 40 वाट और में प्रवाहित धारा का मान, हाँ ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय V हो जाएगा, P का मान कितना है 40, इसमें भाग लगा लीजिएगा 220, आंसर एम्पियर में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल हालांकि बहुत कम है, चलो एक बार के लिए लघुत्रात्मक सवाल और देख लेते हैं, और इसके लघुत्रात्मक सवाल भी ज़्यादा बड़े हैं नहीं जैसा मैं देख पा रहा हूँ, करके देख लेते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो अब लघुत्रात्मक सवाल देखना चालू करो, और बच्चों सारे बुक के जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सारे आप डील करेंगे, क्योंकि अब इस चैप्टर के अंदर देखो मैंने आपको क्या बताया था, 1+1+3 का कॉन्सेप्ट आने वाला है, यही तो है ना। तो ये जो लघुत्रात्मक सवाल है ना वो भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और इसे अगले वाला जो चैप्टर है उसके लघुत्रात्मक तो बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, उसके सवाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो जो विद्युत परिपथ वाला चैप्टर है ना उसका एक एक लघुत्रात्मक सवाल आपका अच्छा होना चाहिए, बढ़िया तरीके से याद किया हुआ होना चाहिए। देखिए पहला सवाल, एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें कितना आवेश होता है, ये लघुत्रात्मक नहीं अति लघुत्रात्मक में डाल देना चाहिए था। देखो किसी चालक में जब धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उसमें आवेश पूछ रहा है, पहली बात लेट सपोज करो ये चालक है, हालांकि ये है नहीं, लेकिन अगर ये चालक होता बच्चों तो जब धारा प्रवाहित हो रही हो या नहीं हो रही हो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये बोलते हैं कि इसमें जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही तो ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है। तो फिर परिणामी आवेश कितना हो गया, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ठीक है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो फिर समीशन क्यू कितना, जीरो, कितना होगा, जीरो, ध्यान में रखिएगा। दूसरा सवाल देखिए, चित्र में एक ही धातु के चालकों की प्रतिरोधकता रोवन एवं रोटू ओम मीटर है, रोवन व रोटू का अनुपात ज्ञात कीजिए, चित्र तो है ही नहीं अनुपात क्या ज्ञात करोगे, लेकिन ये सवाल कैसा होगा, ये बोर्ड का सवाल है। देखा जाए तो एक ऐसा चालक दे दिया और एक ऐसा चालक दे दिया है ना, दो चालक दे दिए, इसकी प्रतिरोधकता रो वन है, इसकी प्रतिरोधकता रो टू है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए मान लो, इसका भी ए मान लो, या ए वन और ए टू मान लो कोई दिक्कत नहीं, इसकी लंबाई एल वन मान लो और इसकी लंबाई एल टू मान लो जो कि टू एल है, ऐसा बोल दिया, ठीक है, ऐसा तो, लेकिन दोनों एक ही प्रकार के चालक के बने हुए हैं, एक ही धातु के बने हुए हैं, चूंकि धातु एक है या चालक एक ही है तो फिर प्रतिरोधकताओं का अनुपात जो है वो कितना होगा, 1:1,
पदार्थ एक है तो फिर प्रतिरोधकता भी तो एक ही होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। लेकिन ये बोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि प्रतिरोधकता हटा दिया गया है। अगला देखिए, उपरोक्त चित्र जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, चित्र में दो सर्वसम सेल, सर्वसम सेल का मतलब क्या हुआ बच्चे, एक जैसे सेल, ठीक है, जिनके विद्युत वाहक बल समान है, ई और ई दे रखा है वैसे भी डायग्राम में, तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, चलो बहुत बढ़िया, समांतर क्रम में जुड़े हैं, चलो प्रतिरोध आर से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो दो सेल ऐसे लगा दिए उन्होंने, है ना, इसका विद्युत वाहक बल ई, इसका विद्युत वाहक बल ई, और यहां से प्रतिरोध आर और ये धारा आई। आपको क्या निकालना है बच्चों, प्रतिरोध आर में से प्रवाहित धारा, पहली बात तो ये समझिए, समांतर क्रम संयोजन के अंदर होता है ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, ठीक, लेकिन जब दो एक जैसे सेल हो, दो एक ही जैसे सेल हो जिनका विद्युत वाहक बल समान हो, उनके समांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है बच्चों, ये सभी को पता होना चाहिए, किसी भी एक सेल के विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है, ठीक है। अगर सेल क्या हो, एक जैसे ही जुड़े हुए हैं ना, ई वन ई टू ई थ्री, बहुत सारे सेल समांतर क्रम में लगे हुए हैं और सभी का विद्युत वाहक बल समान है, तो फिर तुल्य विद्युत वाहक बल किसी भी एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो हमने बोला दोनों का समान था इसलिए ई आएगा। चलिए प्रतिरोध आर ही है, परिपथ का परिणामी प्रतिरोध कितना है, आर है, तो फिर हमें क्या ज्ञात करनी है, धारा, धारा क्या होती है, ई इक्विवेलेंट में आर का भाग लगा दीजिए, ई इक्विवेलेंट कितना है, ई है, और ई में किसका भाग लगा, आर का, ई डिवाइडेड बाय आर आएगा, ठीक है, टू ई डिवाइडेड बाय आर मत कर देना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे दो बैटरी देखे टू ई कर देंगे, हाँ श्रेणी क्रम होता तो टू ई कर सकते थे, श्रेणी क्रम होता तो टू ई ही करते, लेकिन ये समांतर क्रम है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। चलिए तो पता चल गया विद्युत धारा कितनी आएगी, हाँ। फोर्थ देखिए, सेल की टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत वाहक बल में अंतर लिखो, ये सबसे अच्छा सवाल है भैया, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर होता है, दोनों ही इलेक्ट्रोडों के बीच का क्या है, विभवांतर है, लेकिन टर्मिनल वोल्टता तब होती है जब परिपथ में क्या हो रही हो, धारा प्रवाहित हो रही हो, तो हम बोलते हैं किसी सेल की टर्मिनल वोल्टता उस सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभवांतर के तुल्य होती है जब सेल से परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, या फिर परिपथ क्या हो, बंद हो, ठीक। दूसरा, विद्युत वाहक बल हम कब देखते हैं, तो हम बोलते हैं किसी सेल का विद्युत वाहक बल अगेन उसके इलेक्ट्रोडों के विभवांतरों के तुल्य होती है जब परिपथ में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो अथवा परिपथ खुला हो, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर अपवहन वेग की परिभाषा लिखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, अपवहन वेग क्या होता है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जो है प्रारंभ में यादृच्छिक गति करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, चालक को किसे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, चालक के सिरों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र कार्य करने लग गया, और इलेक्ट्रॉन फिर उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, इसी गति को क्या कहा जाता है, अपवहन गति कहा जाता है, अपवहन वेग कहा जाता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय यादृच्छिक गति में एक तरीके का परिवर्तन आता है, कब, जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, और उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की जो औसत चाल होती है वही क्या कहलाती है, अपवहन वेग कहलाती है। तो हम ये लिख सकते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति में कुछ परिवर्तन आता है एवं वे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक निश्चित दिशा में गति करना प्रारंभ करते हैं, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है, ठीक है। हाँ, छठा सवाल, ये एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है मेरे को, तुल्य प्रतिरोध, हालांकि आएगा नहीं तो भी देख लो, आठ और आठ आर प्रतिरोध का कोई व्रत तार वृत्तीय रूप में मोड़ा गया है, ये लो ऐसा कोई तार है, ठीक है, ए और बी, और इसका प्रतिरोध कितना है, आठ हो रहा है, आठ आर है भाई, ठीक, और इसे वृत्तीय रूप में क्या कर दिया गया है, मोड़ दिया गया है, चलो ठीक बात है। और फिर क्या बोल रहा है, इसके किसी व्यास के सिरों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करो, ये लो ये और ये व्यास है, प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करो भैया, तो आधा तार ऊपर है आधा तार नीचे, पूरे तार का प्रतिरोध आठ आर था तो आधे तार का कितना हो गया, चार आर और चार आर,
और दो समान प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इनका भी आधा हो जाएगा, तो परिणाम कितना आएगा 2R, करके देख लेना R1R2 / R1+R2। हालांकि इस बार नहीं आएगा ये। सातवां देखिए, एक पदार्थ की आकृति में विकृति उत्पन्न करने पर उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सातवां ध्यान में रखिएगा, आकृति के बारे में बात कर रहा है तो हो सकता है काम, क्या बोल रहा है देखो, किसी भी तार का प्रतिरोध जो है वो उसकी आकृति पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोधकता आकृति पर निर्भर नहीं करती। तो पहले तो आप लिखोगे प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किस पर, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह पदार्थ के आकृति पर निर्भर नहीं करती है। तो फिर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम बोलेंगे प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा, अगर तार की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है तो भी प्रतिरोध चेंज होगा। हाँ लिख देना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप। अदरवाइज ये लिख दीजिएगा प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा लेकिन प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या प्रभाव पूछा है तो फिर आपको बताना ही पड़ेगा, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटने पर प्रतिरोध घटेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ आठवां देखिए क्या बोल रहा है, क्या किसी सेल के प्लेटों के मध्य मतलब इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर अर्थात टर्मिनल वोल्टता उसके विद्युत वाहक बल से अधिक हो सकती है। बिल्कुल बच्चों हो सकती है, टर्मिनल वोल्टता का मान सामान्यतः कम होता है लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जब टर्मिनल वोल्टता का मान जो है वो विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। कौन सी स्थिति है, जब सेल को चार्ज किया जा रहा हो, जब ये ध्यान रखना सेल को क्या किया जा रहा हो, चार्ज किया जाता है, तब टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। और कितना होता है, V is equals to E plus IR होता है, V is equals to कितना, E plus IR होता है उस स्थिति में जब सेल को क्या किया जा रहा हो, चार्ज किया जा रहा हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो ये तो था हमारे पास में कौन सा, पांचवा चैप्टर, ठीक है। अब चलते हैं सातवें चैप्टर की ओर जो है विद्युत परिपथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, प्लीज उसे रेफर कर लीजिएगा बच्चों। हाँ भाई देखो आपको सामने दिखाई देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो छठे चैप्टर के हैं, विद्युत परिपथ वाले चैप्टर के हैं। मेरे साथ में ही इन्हें पढ़ते हुए चलो, बाद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसकी गारंटी लेता हूँ। तसल्ली से पढ़ो, अच्छे से सवाल को पढ़ो, आंसर अपने आप आपके सामने होगा। देखिए क्या बोल रहा है, किरचॉफ के संधि नियम का गणितीय रूप लिखिए। संधि नियम कौन सा था पहले तो ये समझिए, हम बोलते हैं वो धारा वाला जो नियम था ना वो संधि वाला नियम था, और वो क्या बोलता है ये किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, समेशन आई बराबर क्या, जीरो। कंप्लीट हो गया, इतना ही लिखना था, इतना ही लिखो नंबर पूरा देगा भैया, चांस है ही नहीं कि काट ले, क्योंकि गणितीय रूप साफ लिख दिया उसने। अगर ऐसा बोलता ना किरचॉफ का संधि का नियम लिखिए तो फिर नियम भी लिखना पड़ता और गणितीय रूप भी लिखना पड़ता, लेकिन उसने डायरेक्ट बोल दिया गणितीय रूप लिखो, तो गणितीय लिख करके ही काम खत्म करो, ठीक है। आगे देखो, किरचॉफ का वोल्टता का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर या किस संरक्षण नियम पर आधारित, बताओ भाई। ऊपर वाला जो संधि नियम था वो था आवेश संरक्षण पर, और वोल्टता का नियम है ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण नियम पर, किस पर, ऊर्जा संरक्षण नियम पर, ठीक है। अगला देखिए, ये सारे सवाल आने लायक है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबद्ध लिखिए, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबद्ध क्या, R1/R2 बराबर होना चाहिए R3/R4 के, या फिर कुछ बच्चे P/Q = R/S भी लिख सकते हैं, ये भी काम करेगा, ठीक है। ओके आगे देखिए, फोर्थ वन, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बहुत बार बता चुका हूं मैं, मीटर सेतु कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु की सिद्धांत पर या संतुलन अवस्था, पर
ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, आप इतना ही लिख सकते हैं, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य